फटाफट खबरों का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में तीन जवान और दो स्थानीय नागरिक घायल। सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। देश के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता नटवर सिंह का 95 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन। नटवर सिंह गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने निधन को अत्यंत दुखद बताया। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। नई दिल्ली के भारत कृषि अनुसंधान संस्थान में जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। बीजेपी की तिरंगा यात्रा आज से होगी शुरू। पार्टी की यूपी में करीब 5 करोड़ तिरंगे फहराने का है लक्ष्य। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान को बड़ा स्वरूप देने जा रही है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा यूपी में 13 अगस्त तक सभी 403 विधानसभाओं में राष्ट्र प्रेम का संदेश लेकर शहर गांव गली मोहल्लों तक पहुंचेगी। इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है। नीट पीजी परीक्षा आज 185 शहरों के 500 सेंटर पर आयोजित की गई है। इसमें कुल 2,28,542 उम्मीदवारों की परीक्षा देने की उम्मीद है। आज होने जा रहा है नीट पीजी का पेपर। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज इस परीक्षा को आयोजित करवाने वाले हैं। मेडिकल ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेना चाहते हैं वे इस परीक्षा को दे रहे हैं। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। आरोप में कहा गया है कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफिसर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ है उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में भारतीय कंपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने पोस्ट में लिखा था कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के महेंद्र इनक्लेव में इमारत ढहने से एक व्यक्ति की मौत। दो मामूली रूप से घायल। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इमारत गिरने के बाद मौके पर पहुंचा इंडिया न्यूज। स्थानीय लोगों ने कुछ और फंसे होने की जाहिर की आशंका। 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के ठाणे में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के काफिले पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हमला। कार्यकर्ताओं ने गोबर टमाटर और चूड़ियां फेंकी। हिरासत में लिए गए 20 लोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को तिमोर लेस्ते के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत तिमोर लेस्ते के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। भारत जल्द ही तिमोर लेस्ते में एक दूतावास खोलेगा। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस के इस्तीफे के साथ 5 और जजों ने भी दिया इस्तीफा। शेख हसीना के समर्थक होने का आरोप। बांग्लादेश में हंगामा प्रदर्शन के बीच बने हुए हैं अराजक हालात। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को सिल्वर मिलेगा या नहीं इस पर फैसला टल गया है। इस पर फैसला 13 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई जज डॉक्टर एनाबेले बेनेट सुनाएंगी। पैरिस ओलंपिक का समापन समारोह आज। मनु भाकर के साथ भारत के ध्वजवाहक होंगे ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली हॉकी टीम के गोलकीपर रहे श्रीजेश। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। पीड़ितों से मिलकर जाना उनका हाल। पीएम मोदी ने लैंडस्लाइड प्रभावित
चूरलमाला, मुंडकई और पिंचरी मट्टम गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही पीएम ने वो जगह देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। कलपेट्टा से मोदी सड़क के रास्ते लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने राहत शिविरों का दौरा किया और लैंडस्लाइड के दौरान प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने अस्पताल में पहुंचे और भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आए पीड़ितों लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, वायनाड में सामान्य त्रासदी नहीं, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। लैंडस्लाइड में प्रभावित लोगों को लेकर पीएम ने कहा, सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए। पीएम मोदी के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी मौजूद रहे। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आया। शुरुआती जांच में पता चला कि रेप के बाद की गई डॉक्टर की हत्या। कोलकाता के हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में ब्लूटूथ ईयरबड्स से मिले सुराग। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। ममता बोली, दोषी को दिलाएंगे फांसी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या से लोगों में भारी आक्रोश। अस्पताल के बाहर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज। महिला डॉक्टर की हत्या और रेप मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा कि मृतका का पोस्टमार्टम हो चुका है और प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई है। जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार पहुंचे पीड़िता के घर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामला। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि जांच ठीक से हो रही है या नहीं इसका भी संदेह है। अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई की जांच हो सकती है या फिर हम सीबीआई जांच कराने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में सिर्फ अराजकता है, बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात हो गई है। निरी डॉक्टर रेप मर्डर केस में दिल्ली पहुंचे विरोध के आगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का दिया अल्टीमेटम। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। हिंदुओं पर हमले को लेकर मोहम्मद यूनिस ने की कड़ी निंदा। राष्ट्रीय एकता पर दिया जोर। प्रदर्शनकारियों से बोले कि अल्पसंख्यक इस देश के लोग नहीं है, आप देश को बचा सकते हैं, क्या आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भड़के अमेरिकी सांसद। दो प्रमुख भारतीय अमेरिकी सांसदों ने इसे रोकने के लिए यूएस से सीधे हस्तक्षेप की मांग की। बांग्लादेश में बीएनपी और अवामी लीग दोनों कर रहे हैं लोकतंत्र की मांग। अवामी लीग के नेताओं में शेख हसीना को वापस लाने की खाई कसम। सड़कों पर उतरे अवामी लीग के समर्थक। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5 अन्य जजों को भी देना पड़ा इस्तीफा। इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब में एनएचएआई से जुड़े इंजीनियरों और ठेकेदारों पर बढ़ते हमलों पर जताई गहरी चिंता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर गडकरी ने दी चेतावनी। लिखा, अगर हमलों पर रोक नहीं लगी तो केंद्र सरकार पंजाब में बन रहे हाईवे प्रोजेक्ट्स पर लगा देगी रोक। अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने दिया भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में सब कैटेगरी की इजाजत दी थी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बीएसपी ने भी कसी कमर। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने यूपी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज बुलाई बैठक। सभी पार्टी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद।
यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में फूलपुर सीट को लेकर फंसा पेंच, दोनों पार्टियां पेश कर रही हैं दावेदारी। जेल से बाहर आने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने पहली बार पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बोले आप सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए साजिश रच रही है। सरकार जेल के दरवाजे बंद कर सकती है लेकिन जनता के दिलों के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल का नाम आज पूरे देश में ईमानदारी का प्रतीक बन गया है। बीजेपी का एक ही काल है केजरीवाल, बीजेपी का काल जल्द जेल से बाहर आएगा। हनुमान मंदिर में पूजा के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, भगवान बजरंगबली ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अरविंद केजरीवाल पर भी बजरंगबली का विशेष आशीर्वाद है, केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीते फोटो किया शेयर, लिखा आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ग्वालियर में लाडली बहनों ने राखी बांधी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना के तहत 1,250 रुपये और रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये लगभग 1,29,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मौसम विभाग ने केरल के जिलों में आज जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, पथनमथि और इडुक्की में 12 और 13 अगस्त को भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारी बारिश के चलते वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान में जारी है बारिश का सिलसिला, शहर के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते जलभराव। उत्तराखंड के हरिद्वार के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लगातार हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड में देहरादून शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर में बीते दो दिन से रुक रुक कर हो रही है बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत। नोएडा में भी झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, मौसम विभाग ने अगले दो दिन भी बारिश का जारी किया अलर्ट। दिल्ली में बारिश से रिंग रोड पर जगह जगह लगा लंबा जाम, धोला कुआ पर बारिश के कारण ट्रैफिक रेंगते दिखे, लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मालदीव दौरा, जयशंकर ने मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद हसन मोमून से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। मालदीव के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में सुरक्षा सहयोग इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साझा हित पर हुई चर्चा। मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर है जयशंकर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत को बताया हमेशा से एक करीबी सहयोगी और बहुमूल्य साझेदार, बोले उनके देश को जब भी जरूरत पड़ी तब भारत ने की हर तरह की मदद। गाजा के दाराज जिले में स्कूल में इसराइली हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, स्कूल के कई लोगों ने ली रखी थी शरण और स्कूल पर 3 रॉकेट गिरने से लगी थी आग। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद बरकरार है ईरान और इसराइल में तनाव, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी कि IRGC और राष्ट्रपति पचकियान में हमले के तरीकों को लेकर नहीं बना पा रहा है सहमति। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला करते हुए काफी अंदर तक घुसा यूक्रेन, रूस ने किया काउंटर ऑपरेशन, टैंकों से बरसाए जा रहे हैं गोले। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने सऊदी अरब को खतरनाक हथियार बेचने पर लगे बैन को हटाया, सऊदी अरब को हवा से जमीन पर हमला करने वाले हथियार ट्रांसफर कर रहा है अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन सहरावत को फोन करके पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। भारतीय रेसलर रितिका पेरिस ओलंपिक 2024 में रेसलिंग की वुमेन्स 76 किलो कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल हार गई है, उन्हें कगिस्तान की आईपीरी मेडिट काइजी ने हराया है।
IOC सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT ऊषा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के स्पोर्ट्स कोर्ट केस की सुनवाई पर नीरज चोपड़ा ने कहा, हम सभी जानते हैं कि अगर उन्हें पदक मिलता है तो ये वाकई बहुत अच्छा होगा। नीरज चोपड़ा को गले लगाकर सुर्खियों में आए अभिषेक बच्चन, हर तरफ हो रही है तारीफ, तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर अमित रोहिदास ने कहा कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद हम बहुत खुश हैं और हर कोई जश्न मना रहा है। पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस में ऐसा लग रहा है जैसे हम भारत में हैं। ओलंपिक मेडल टैली में चीन 39 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नंबर वन पर, अमेरिका 38 गोल्ड, 42 सिल्वर, 42 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे नंबर पर, भारत 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर है। पेरिस से इंडिया लौटी भारतीय हॉकी टीम, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुआ खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित अभिवादन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, हमारे लिए गर्व का पल है, लोग प्यार दे रहे हैं, हॉकी का पुराना समय वापस आ रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी सुखजीत सिंह ने कहा कि हमारा फोकस गोल्ड मेडल जीतना था, लेकिन सेमीफाइनल में कुछ गलतियां हुई हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी शमशेर सिंह ने कहा कि यह हमारे और पूरे देश के लिए गर्व का पल है, थोड़ा आराम करके एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करेंगे। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कुल मिलेगा पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति जरदारी ने हिलाल ए इम्तियाज से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया है। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म चंदू चैंपियन सिनेमाघरों में रिलीज के बाद OTT पर दस्तक दे चुकी है। जून में रिलीज हुई फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से भरपूर प्यार मिला था। वेटरन मराठी एक्टर विजय कदम का 67 साल की उम्र में निधन, मुंबई के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। एक्टर पिछले 1.5 साल से कैंसर से पीड़ित चल रहे थे। एक्टर आमिर खान बोले, 70 साल की उम्र तक ही करूंगा काम, नहीं कर सकता हर साल फिल्म में एक्टिंग, लेकिन साल में 4-5 फिल्में जरूर प्रोड्यूस करूंगा। कसौटी जिंदगी की मशहूर टेलीविजन स्क्रिप्ट राइटर महेश पांडे को मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्माता जतिन सेठी से 2.65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में हिरासत में लिया। कैंसर से उभरने के लिए कीमियोथेरेपी ले रही है हिना खान। हाल ही में एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, कीमियोथेरेपी की वजह से बेहद दर्द से गुजरना पड़ता है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपने फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म पर अपडेट आया है कि वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा भूल भुलैया 3 का टीजर। बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के नए लुक पर फिसला फैंस का दिल। लेडी सिंघम के नए अवतार को देख बोले फैंस, आपके जैसा खूबसूरत नहीं देखा। बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने किया बड़ा खुलासा, कहा शाहरुख के अलावा अपनी फिल्म में किसी को नहीं दिखाते आदित्य चोपड़ा। रणवीर और कृतिका मलिक के किस वाले वीडियो पर अरमान मलिक का रिएक्शन, कहा रणवीर हमेशा उनके और उनके पत्नियों के साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और उनका कोई बुरा इरादा नहीं है।